शुक्रवार को जहां 26 जनवरी के अवसर पर एक ओर तिरंगा फहराकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था, वही खगौल थाना में भी इसको लेकर भरपूर तैयारी कर रखी थी। खगौल थाना अध्यक्ष कुलदेव चौधरी ने थाना परिसर में तिरंगा फहराने के बाद 11 पुलिस और 11 प्रेस के बीच क्रिकेट मैच खेलने खगौल के वीएन शर्मा इंस्टीट्यूट पहुंच गए, जहां क्रिकेट मैच खेलने के दौरान दोनों टीम ने भरपूर मनोरंजन किया। पहली पारी खेलते हुए पुलिस 11 की टीम ने 15 ओवर में 10 विकेट खोकर 102 रन बनाए, वहीं प्रेस 11 ने 14 ओवर 2 गेंद में 6 विकेट खोते हुए 107 रन बनाकर अपनी जीत दर्ज करवाया। जबकि दोनों टीमों में नए खिलाड़ी थे, इसलिए पूरे मैच के दौरान नो बॉल एवं व्हाइट बॉलों का भरमार लग रहा। इस खेल में पुलिस 11 की टीम ने जहां अनगिनत कैच छोड़े, वहीं पत्रकार की टीम भी कैच छोड़ने में पीछे नहीं रहे। मैच देखने से पता चल रहा था कि वाकई यह पुलिस एवं पत्रकारों का बीच का मैच है। मैच के अंत में जहां पत्रकार 11 के टीम को खगौल थाना अध्यक्ष कुलदेव चौधरी ने शील्ड एवं मेडल देकर सम्मानित किया, वही पुलिस 11 की टीम को सीनियर पत्रकारों ने शील्ड व मेडल देकर सम्मानित किया। आप कस्टमर कीजिए, हम हैं। बोलिए सर, बोलिए ना, कुछ बोलिएगा तभी ना। आज जो गणतंत्र दिवस है, इस पर लोगों को बधाई दे दीजिए, आप 30 सेकंड के अंदर बोल दीजिए। जी जी, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर खगौलवासियों एवं देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अनुरोध करूंगा कि हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस को मनाएं और शांतिपूर्वक बनाए रखें। अभी चलिए फिर से नया बोले क्या? वो तो आप बोल दिए हैं, उसको मत बोलना है। दूसरा खाली क्राइम कंट्रोल पे कुछ बोलना है, अपराधियों पे लगाम ये वो ऐसा कुछ बोल दीजिए। हम बोले।